नमस्कार, मैं हूं जयचंद प्रसाद और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गुण दिल्ली तक। साथियों, इस वक्त मैं जनपद सोनभद्र के मेहरपुर विकास खंड के अंतर्गत थाना बीरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत अंजानी बकरियावा में मौजूद हूं और यहां पर सन 2014 से एक जो कि मेहरपुर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के अंतर्गत मिनी शाखा बकरियावा में खुला था सहज जनसेवा केंद्र, उसके तहत लाखों रुपए का लाभार्थियों का घोटाला हुआ है, जिसके संबंध में यहाँ के लाभार्थियों ने यहाँ के थाना प्रभारी को और जिले के संबंधित अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दिया, जिसके तहत चार अभियुक्तों को अभी विभिन्न धाराओं में जेल में बंद किया गया है, जेल भेजने की कार्रवाई की गई है, जिसके एवज में यहाँ दृष्टि जांच अधिकारी कार्यालय वाराणसी से यहाँ पर अधिकारीगण आए हुए हैं, जो कि यहाँ के खाता धारकों का खाता स्टेटमेंट खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका जिनून में वास्तव में कितना इनका खाता से पैसा घोटाला हुआ है। इसके संबंध में हम जो है यहाँ के अधिकारीगण से बारी बारी से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। सर, मेरा नाम इनामुल हक है और मैं दृष्टि में कार्यरत हूँ जी, रिस्क एंड कंप्लायंस टीम से हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम सभी यहाँ पे जांच से रिलेटेड आए हुए हैं जी। जी, तो क्या है सर कि जैसे कि आप आए तो प्रशासन के तहत आए हैं या बैंक के तहत आए हैं? और अभी जैसा कि आज भी हम जांच में ही लगे हुए हैं और फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक डेटा होना चाहिए फाइनल, तो उसी को करने के लिए हम लोग यहाँ पे यहाँ पर जो जांच हो रही है इसमें जैसे जो लाभार्थी छूट जा रहे हैं जी, उसके संबंध में आप क्या करेंगे? देखिए, अभी हम हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और कोशिश करेंगे कि अगर कोई छूट रहा है तो हम कल में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम नहीं भी हैं, यानी हमारा टीम यहाँ पर नहीं है, हम लोग अपने कार्यालय पहुँच जाते हैं, इसके बाद भी अगर कुछ है तो हम चाहेंगे कि पांडे जी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आके वो अपना, जैसा कि आज हम लोगों ने प्रोसेस किया है उसी प्रोसेस के तहत वो अपना एक एप्लीकेशन जो है लिखें और लिखने के बाद में हमें या तो मेल के माध्यम से या तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाए, हम उसको भी कंपाइल करके फाइनल रिपोर्ट बनाने की कोशिश करें। आपके द्वारा यहाँ पर जमा होगा सर, आपके द्वारा? देखिए, फाइनल रिपोर्ट हम लोग पुलिस के साथ भी शेयर करेंगे, बैंक के साथ भी शेयर करेंगे जी। थैंक यू सर। आपका परिचय? मेरा परिचय आशुतोष कुमार पांडे जी, मैं वाराणसी कार्यालय से दृष्टि से मैं रिस्क एंड कंप्लायंस को लीड करता हूँ जी। और जो है ये हम लोग को संज्ञान में आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है ये 28 फरवरी 2023 को कि ये इतने अमाउंट का ये बीसी द्वारा गमन किया गया है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने अपना एक टीम बनाई, उसके हिसाब से फिर हम लोग अपना जो भी प्रोसेस था हमारा इंटरनल उसको फॉलो करते हुए फिर हम लोग निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये चीज़ें जो है इसको संज्ञान में लेते हुए इसको पूरा कंपाइल करना ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने डेट डिसाइड किया, फिर उसके हिसाब से हम लोग आए ग्राम से, हम लोगों ने डाटा इकट्ठा, उसके बाद सारे डाटा को अपने हम लोग खंगाल रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे भी चीज़ें क्लियरिटी आएगी तो फिर फाइनल डाटा बैंक से और प्लस हमारे जो एसपी ऑफिस है जो हमें एफआईआर करना है उसके खिलाफ, तो उनसे हम डाटा सारा शेयर करेंगे, प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी जी। आपके द्वारा जो जाँच हो रही है सर, इससे ये जानकारी होगा कितने का घोटाला? अभी ये फैक्ट कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि कितने का हुआ, जब हमारे पास फाइनल डाटा आ जाएगा तभी हम कुछ कह पाएंगे कि इतने का सच अमाउंट का या अप्रोक्सीमेट अमाउंट का ये घोटाला हुआ। जो यहाँ पर खाता धारक एकत्रित हुए हैं आज दिन भर आप लोग जांच में लगे हैं, क्या आपको लगा, क्या समझ में आया सर? हमने समझ में आया कि भाई देखिए, हमारे देश में शिक्षा की कमी है और जो कुछ जो रिकॉग्नाइज पर्सन या फिर आप कह लीजिए कि जो गलत इंसान है या फिर गलत आदमी है ये इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो भोली भाली जनता है उसको नुकसान पहुँच रहा है, वो शिक्षा की कमी की वजह से वो पासबुक जो है हाथ से लिख के दे देता था, ठीक है, प्रिंट करके नहीं देता था, लेकिन आदमी को चाहिए कि पासबुक जो है वो प्रिंट करके ही ले,
विदाउट हाथ से लिख के कोई पासबुक प्रिंट करके ना बैंक देता है ना कोई बीसी देता है, वो एक गलत कंप्लायंस है। अगर कोई कर रहा है तो सारे पूर्ण रूप से वो एक गलत काम कर रहा है, वो दंडनीय कर रहा है। जांच के बाद सर क्या लगता है कि क्या इन खाता धारकों को न्याय मिल जाएगा? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे हम लोग ये केस जो भी डाटा है हम कलेक्ट कर रहे हैं, फाइनल जो भी डिटेल आएगी वो हम आगे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर उसके बाद जो डिसीजन होगा कोर्ट का वो सर्वोपरि मान्य। जी जी, आपके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोर्ट के पास भी जाएगा? हाँ, कोर्ट के पास भी जाएगा बिल्कुल, हमारे जो एक FIR फाइल। जी जी, सर आपका परिचय? मैं विजय सुनकर वाराणसी कार्यालय से हूँ जी। अभी ये निष्पक्ष जांच चल रही है, हम लोग पूरी स्टेटमेंट लेवल से भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि इन्होंने गबन किया है, किस अकाउंट में गया है, किसके माध्यम से गया है। और जो पीड़ित कस्टमर आप बोल रहे हैं कि सर मेरा 20,000 का गबन हो गया है, 10,000 का गबन हो गया है, क्या ये सत्य है कि नहीं है? तो हम लोग कस्टमर का तो कंप्लेन एक्सेप्ट कर रहे हैं, लिखवा के भी ले रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ, कितना गबन हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग बैंक के माध्यम से कस्टमर के अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल के किस अकाउंट में गया है, उसने किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया है, इनके माध्यम से हम लोग वहाँ तक भी पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि पीड़ित को हम लोग इंसाफ दिलवा दें। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि यह बैंक ऑफ बड़ौदा मिनी शाखा बखरिहवा में जो लाखों लाखों रुपए का घोटाला हुआ है खाता धारकों का, इसके संबंध में जांच अधिकारी आए और जांच किए और अभी तमाम जांच अभी बाकी है, चूँकि सभी खाता धारक यहाँ अभी उपस्थित नहीं है, उनका भी बाकी है और जांच के बाद यह साबित हो जाएगा कि इस बैंक में कितने का घोटाला हुआ है और आगे क्या होता है कार्रवाई देखने की विषय है। मेरे साथ आगे भी जुड़े रहें और देखते रहे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव के गुण दिल्ली तक। और इनका नाम है केवला पति और इनके पति का नाम है गुड्डू। गुड्डू जी, थोड़ा मोबाइल चार्जिंग का वीडियो बना लीजिएगा। उनके पहल पर उन्हें क्या है कि हमारे पैसा ना मिले, हमारे वीडियो बना ही कहा हम रोक के लूट के कहा पासबुक लुकवा दे, रोज दिन आईला मांगे और परोपी है और दौराने हैं, क्या करें पासा बुक नहीं है, कितना रोज दिन जाए घर जाए झगड़ा कर रहा है, यहाँ आई सबो सरकार जो है स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा ये ट्रिपल एस पे काम कर रहे हो, जो हमारा ट्रिपल एस स्कीम चलता है ये भी एक ट्रिपल एस स्कीम पर काम कर रहे हो, हमारा देश आगे निकल जाए। तो शिक्षा की कमी है कि ये बेचारे यहाँ पे बताइए विद्या जी, आप 7,250 मानिए ना, 50 रुपया बचा रहा है, खाली 50 रुपये ना सर तो सब सब नया खाता है। आपको कुछ कैश भी दिए हैं, कुछ कैश वापस भी किए हैं? कुछ नहीं दिए, बताइए सत्ती जी आप हमारे गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो बता रहे हैं भाई, सही बात है, सही बता रहे नौकरी मिल रहा है रहेगा तो माँ बाप की सेवा को चिंता किंता हो जाए। आप लोग कहाँ बैठे हो?
सब लिख लिया। मेरे साथ कौशल अंबास, बैंक ऑफ बड़ौदा से लिंक होकर बाद में हाय अंजानी में करते थे अगर कहिया बंदा कोई कहिया ना हो लिखता है उसको ना लिखो शायद रुपये 10,000 अब तक मांगने के बाद वापस किया शेष धनराशि 10,000 अभी तक मुझे कौशल अब्बास ने वापस नहीं की है। कृपया मेरी नेट वाला सिस्टम कर दे है वहाँ दे तो वाई क्यों वाला एक मिनट नेटवर्क ना है ना नेटवर्क ना है यहाँ मोबाइल नंबर बताइए 88 53 तिरपन 93 72 51 और किसका नंबर है ये स्टेटमेंट जो है ना ये आपने हमको दिया है आपके पास है इसकी कॉपी आप ओरिजिनल वाली रखो उसका बता दिए हम रखें आप आइए दोनों लोग कंता गुरु ने पहले ज्ञानवंती राजवंती दोनों के साथ हुआ है नहीं मैं ये जानना चाह रहा था जैसा इन्होंने लिखा है इन्होंने राजवंती को हमने लिखा है 6,000 वापस किया है और ज्ञानमती जी को 2,000 वापस किया तो क्या वापस मिला है मेरे को 2,000 वापस मिला है मम्मी को नहीं मिला
आप मुझे ये बताओ कि आपके खाते में कितना पैसा था? अरे फोना नहीं ठीक, यानी 500 आप निकाले, 2000 उन्होंने वापस किए, रेस्ट बचा 8,500 था ना, 8,500 से 500 निकाल दिया आपने, 8,000 शेष बचा, 8,000 से 2,000 रुपये वापस किया उन्होंने, तो 6,000 रुपये आपका इसमें नहीं है, यही कहना चाहती हैं आप? वापस रखो पैसा, नहीं करे बताते नहीं हो। अच्छा, तो मतलब आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं है? मैं कुछ पूछना चाहूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके साथ कितने पैसे की धोखाधड़ी हुई? 30,000 की, ठीक है, तो 30,000 रुपया इन्होंने इसमें से कुछ वापस किया? नहीं किया ना, ठीक है। और ये पता कैसे चला? जी हाँ जी हाँ, तो वहाँ पता लगा, तो वहाँ पता लगा कि मेरा 30,000 रुपया कम है, ठीक है। अभी पंकज किस लिए से इसी से इसी इसी वाले इसको वापस वाला पंकज का नाम नहीं है। हाय हाय, आप लोग कहाँ गए? चलो पंकज आशा बारिश में जाने हैं। हाँ, गेट से उड़ रहे सकते। अब इस वक्त आपके खाते में केवल 258 रुपया है, नहीं ये 63,428, लेकिन होना चाहिए था आपके अकाउंट में 67,428। नहीं मैं वही तो लिखवा रहा हूँ, पीछे तो तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, 30,000 रुपये आपके अकाउंट में कम है। लिखना है 30,000। हाँ वापस कराने, वही महोदय वापस कराने में मेरी मदद, महोदय गबन राशि वापस कराने में मदद। लगभग 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 लगा 9,000 रुपए की धनराशि का गबन क्या हवा भी आवे हेरा फेरी की है, गबन या हेरा फेरी की है? चलिए कोई बात नहीं, गबन किया है महोदय, आपके पुत्री लाल था प्रशस्ति वाला कौन सा रखता होगा सर? हमको हां बोलो ये फोन पे नंबर क्या होता है? आप आ गए फोटो कॉपी आधार कार्ड लेकर आइए, ठीक है, आधार कार्ड फोटो कॉपी ले आइए। इनका आधार कार्ड है
अगला नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट कौन है? ब्लॉग चलिए हम नाम बोल रहे हैं। सुखमिशा है कोई? सुखमिशा, सुखमिशा अमरावती, कंसाराम आप दे दीजिए सर। जी आपको मैंने बताया है कोई मांगा था सर। आगे बढ़ते जाइए आप। आपका बेटा है कितने रुपए का इसको बुक कर दीजिए। सर कल लिखिए रे गोलाटा का है बात का बाबा गुलाब का वापस कराने में मेरी मदद चंद्रवती आप है प्रार्थी प्रार्थी पंकज कुमार पिता का नाम है अयोध्या प्रसाद शिकायत करता आपका क्या सुनना दस्तक कर दीजिए आप अच्छा लगा सुनकर का नाम तो माता जी हैं आप लोग पंकज जी मोबाइल नंबर चंद्रवती तैतीस आप जाइए आइए चंद्रवती तैतीस तैतीस चंद्रवती जी आपकी कुल कितनी राशि का गबन हुआ है 30,000 आपको आधार कार्ड पासबुक घर में लिख कर दिया ना सर जब हमारे दे तो हम लिखे पड़े नहीं आई तो जब हम उधार का देख लिए तो जो हम कहा वो तीन जगह बगीचे वाला हम भी दिखा रहा हूँ पड़े लेकिन हाँ जो बाजार का ना था लेकिन रहा से काम करा बाजार के काम पे हमने काम करा कितना पैसा हुआ 35,000 और आपके साथ मारपीट भी करी कितने करी थी मारपीट शकुंतला ने किया उसका
आदमी भी था वहाँ। हाँ आदमी भी, आदमी लेके सत्ता आदमी डांटे से और अतिया की तरह और अतिया को हमारे पास कुछ कौशल पास को ये पता था। हाँ उसके आदमी का क्या नाम है? जगनाथ। मतलब कौशल अब्बास हमेशा मौजूद नहीं रहता था नहीं, 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 नहीं रहता था। ये अपनी जो रखा था क्या नाम उसका शकुंतला शकुंतला ही वहाँ पे मौजूद रहती थी वही चला थी लॉगिन करके वो सवेरे चला जाता था क्या शाम को रोज आ जाता था अपनी कदम भी ले कमा इसी गांव की रहने वाली है बगल में ठीक है। 17,000 रुपया गुड़िया के हाथ लगा दिया था वो गुड़िया तो चल देता पर लोग उनको दहरिया दिए और नहीं थे राम के थे गुड़िया को भी समय ना गुस्सा लगा था। शनिचरी कौन है? शनिचरी शनिचरी कितना नोट करना है? 17,000 लीजिए।